सोमवार को बुद्ध जयंती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल में गौतम बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी पहुंचे। उन्होंने भारत के कुशीनगर से एक हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी और वे लुम्बिनी में बनाए गए हेलीपैड पर उतरे। इस आधिकारिक यात्रा के दौरान मोदी ने पवित्र माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और बौद्ध संस्कृति और विरासत के लिए एक केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के लुम्बिनी पहुंचने से कुछ ही घंटे पहले नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने करीब 20 किलोमीटर दूर भैरवा में नेपाल के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी के इस समारोह में शामिल न होने और उनके इस नए हवाई अड्डे पर न उतरने ने बहुत से लोगों का ध्यान खींचा। एक पड़ोसी का प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं और वो एक ऐसे विमानस्थल को प्रयोग नहीं कर रहे हैं जो कि नेपाल के लिए एक प्रेस्टीज प्रोजेक्ट जिसे कहते हैं। अगर उद्घाटन का जो उड़ान है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री का भी उड़ान होता तो बहुत ही गौरव की बात होती। करीब 7 करोड़ डॉलर की लागत से बने भैरवा के नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनने में तकरीबन 7 साल का वक्त लगा है। यह हवाई अड्डा भारत नेपाल सीमा से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस हवाई अड्डे की परिकल्पना लुम्बिनी के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार के रूप में की गई है। बुद्ध जयंती के दिन नेपाल के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ है। ये वही दिन है जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नेपाल पहुंचे और इस हवाई अड्डे पर नहीं उतरे। इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चूंकि इस हवाई अड्डे का निर्माण एक चीनी कंपनी ने किया है तो शायद भारत के प्रधानमंत्री नेपाल को एक कूटनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से नेपाल और भारत की मीडिया में भी इस बात पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि मोदी के भैरवा हवाई अड्डे पर न उतरने की वजह इस परियोजना में चीन की भागीदारी से जुड़ी है। मोदी के नेपाल जाने से पहले भारतीय मीडिया ने भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा से पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी कुशीनगर से हेलीकॉप्टर के जरिए लुम्बिनी क्यों जा रहे हैं, जबकि नेपाल की अपेक्षा है कि उनका आगमन नए हवाई अड्डे पर हो। भारत के विदेश सचिव का जवाब ये था। Questions relating to the logistical arrangements of Prime Minister's travel are concerned. I don't think it's correct for me or for anybody else to really comment on those issues because those involve many parameters including security. हमने नेपाल सरकार के अधिकारियों से जानना चाहा कि वे इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह देख रहे हैं। चीन की भागीदारी के सवाल पर वे रक्षात्मक मुद्रा में दिखे। जहाँ तक चाइनीज़ कंपनी का है तो सबका अपना अपना कंपोनेंट था। हमारा इस एयरपोर्ट में बनाने में अमेरिकन कंपनी से लगे, उसके बाद आपका थाईलैंड का जो एरोथ हाई कंपनी लगे, चाइनीज़ जो है उनका सिविल का था, सिविल वर्क जितना था उसने चाइनीज़ ने किया, टर्मिनल बिल्डिंग बनाया चाइनीज़ कंपनी ने, और इसमें चाइना की तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक पैसा भी चाइना की इन्वेस्टमेंट नहीं है। इस तरह से इस एयरपोर्ट को चाइना से जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। उनका प्रोग्राम अलग है, इसका प्रोग्राम अलग है। भैरवा के नए हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के संचालन के लिए नेपाल भारत से उसकी तरफ के हवाई क्षेत्र या एयर स्पेस को खोलने का अनुरोध करता रहा है, लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर भारत ने अभी तक इसकी अनुमति नहीं दी है। जानकारों की माने तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का हवाई उड़ान से भैरवा हवाई अड्डे पर आना एक कूटनीतिक मुश्किल पैदा कर सकता था। जब भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने सलाहकारों से इसके बारे में बातचीत की तो उन्हें शायद लगा कि इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री खुद उस एयरपोर्ट को प्रयोग करते तो अनौपचारिक मान्यता की तरह उसको माना जाता और बाद में दो देशों के बीच बातचीत में इसको रखा जा सकता था। पिछले कुछ सालों से भारत और चीन दोनों ही नेपाल में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशें करते दिखे हैं। इस सब के बीच भैरवा हवाई अड्डे से जुड़ा ये ताजा घटनाक्रम
भारत और नेपाल के संबंधों पर क्या असर डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। नेपाल से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जालुई के साथ राघवेंद्र राव, बीबीसी।